जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूँ एनवायरनमेंट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस 10वीं वीडियो के साथ में। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की हमारी इस वीडियो को और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब करके इन सभी PDF को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कल पूछे गए प्रश्न के साथ। और कल हमने आपसे पूछा था कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाता है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन किया गया था और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया गया था, जम्मू और लद्दाख में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैं आपके वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से एक आपका राज्य कम हो गया जम्मू कश्मीर और दो आपके केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बढ़ चुके थे। तो 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर वर्तमान में हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आज की इस वीडियो का लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। ऑप्शन ए है रेशम जो है वह जूट से निर्मित होता है, चीनी गन्ने से निर्मित होती है, बिजली उपकरण अभ्रक से निर्मित होते हैं, सूती वस्त्र कपास से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चीनी गन्ने से निर्मित होती है, बिल्कुल होती है, बिजली उपकरण अभ्रक से और कपास सूती वस्त्र कपास से निर्मित होते हैं। जो रेशमी वस्त्र हैं यह रेशम से निर्मित होते हैं, एक रेशम का कीट होता है जो रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, तो उस रेशम से निर्मित किए जाते हैं रेशमी वस्त्र। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यह सम्मिलित नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या फिर यहाँ पर ऑप्शन डी है हरियाणा में। तो जो हमारा महात्मा गांधी सेतु है यह महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1982 में, 1982 में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई कितनी है, तो 5.75 किलोमीटर। ठीक है, 5.75 किलोमीटर इसकी टोटल जो है लंबाई है। यह भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान में जो भारत का सबसे लंबा पुल है वो है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। ठीक है, इसे हम ढोला सादिया पुल के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 9.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। पूछा जाए कि भूपेन हजारिका या फिर ढोला सादिया पुल कहाँ पर स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लंबाई 9.75 किलोमीटर है। महात्मा गांधी सेतु जो कि पहले सबसे लंबा पुल हुआ करता था, इसकी लंबाई कितनी है, तो 5.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से घाव में रक्त का बहना नहीं रोकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो जो विटामिन हो जाता है यहाँ पर जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है ऑप्शन डी, यहाँ पर विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को यदि चोट लगती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और खून का बहाव नहीं रुकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर चेचक, मलेरिया, फ्लैग या फिर तपेदिक। तो चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग यहाँ पर है फ्लैग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्लैग जो है यह चूहे के काटने से फैलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी
खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए है चावल, गन्ना, गेहूं या फिर मक्का। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? तो खरीफ की फसलें होती हैं जो जून जुलाई में फसलें बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी खरीफ की। और जो रबी की फसलें होती हैं, ठीक है, यह बढ़ते हुए सूर्य के साथ बोई जाती हैं यहाँ पर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर नवंबर में बोई जाती हैं रबी की फसलें, ठीक है, और इन्हें काटा जाता है फरवरी मार्च में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फसलें होती हैं रबी की फसलें, वो हमारी गेहूं, चना, मसूर आदि, ये रबी की फसलें हैं। और चावल, गन्ना, मक्का आदि ये जो हैं, और सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। तो जो गेहूं है यह खरीफ की फसल नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग बायोगैस संयंत्र में नहीं किया जाता है, ठीक है। इस नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, अक्सर यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है और यहीं पर क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में उपयोग नहीं किया जाता है, जिसका प्रयोग नहीं होता है? तो ये खनिज तेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। खनिज तेल का प्रयोग बायोगैस संयंत्रों में नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है, आज हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आते थे कि सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन की संख्या 20 है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, 20 में से जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यह कब बना था? तो 1960 में, 1970 में, 1963 में या फिर 1973 में। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है, लेकिन इसे कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1963 में, घोषित किया गया था मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963, ठीक है, 26 जनवरी 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ठीक है। तो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सभी यहाँ पर जो भी जीव जंतु होते हैं या फिर पादप होते हैं, सभी यहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा आती है, तो ऊर्जा को जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं जैसे घास, पेड़ पौधे, पत्तियाँ आदि अवशोषित करते हैं, उनके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता तक, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो भारत में जो अग्रणी उत्पादन में सोयाबीन का उत्पादन जिस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है वो है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उपयोग होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग 35 से 42%, 41-42% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, चीनी का कटोरा कहलाता है, चीनी का कटोरा कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है, तो ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है यह भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 प्रमुख नदियाँ हैं, एक है माही, दूसरी है ताप्ती और तीसरी है नर्मदा नदी। तो ये तीनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। बात की जाए नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की, तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, एक है आपकी नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ, दूसरी है आपकी सोन नदी और जोहिला नदी, ठीक है। तो ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं।
पूछा जाए नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की लंबाई है यहाँ पर 1312 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल कर या गुजरात के निकट खम्भात की खाड़ी में, ठीक है, खम्भात की खाड़ी में इसका अंत होता है। सरदार सरोवर जो डैम है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है यह भी नर्मदा नदी में सरदार सरोवर डैम के ठीक नीचे इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार वाटरफॉल यहाँ पर जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको सभी पॉइंट नर्मदा नदी से संबंधित याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पौधे के विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु आवश्यक है, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, तो पौधे के शिक्षण के हेतु सबसे यहाँ पर उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा पौधे का अवलोकन। ठीक है, पौधे के प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा यदि शिक्षण कार्य कराया जाता है तो यह सबसे बेस्ट तरीका होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पौधे का अवलोकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्षेत्र भ्रमण के मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जब स्कूल में छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर या फिर पिकनिक आदि पर कहीं पर लेकर जाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का जो उद्देश्य होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव के लिए छात्रों को जो है क्षेत्र भ्रमण के लिए लेकर जाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होती है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होती है, तो यहाँ पर जो विधि प्रयोग की जाती है वह होती है यहाँ पर कहानी विधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कहानी के माध्यम से यदि पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में जो छात्र होते हैं उनकी आयु कम होती है और इस आयु वर्ग के बच्चों को कहानी के माध्यम से यदि कुछ समझाया जाता है पढ़ाया जाता है तो वो अन्य विधियों की अपेक्षा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे, पर्यावरण अध्ययन के लिए हम छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे, तो यहाँ पर नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए ये सभी चैनल जो हैं ये सभी चैनल सही होंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है, चमगादड़ स्तनधारी होते हैं क्योंकि, चमगादड़ स्तनधारी क्यों होते हैं, उड़ते हैं, रात्रिचर होते हैं, शाकाहारी होते हैं या फिर बच्चे देते हैं, तो चमगादड़ जो होते हैं स्तनधारी इसलिए होते हैं क्योंकि ये बच्चे देते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, और जो भी जीव बच्चे देते हैं वो सभी यहाँ पर स्तनधारी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो पर्यावरण जो होता है सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के संग्रह से मिलकर बनता है पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक छोटी सी परिभाषा हो जाती है पर्यावरण की वो हो जाती है, सभी बायोटिक एवं अबायोटिक घटक जो है पर्यावरण में शामिल किए जाते हैं, अबायोटिक एबायोटिक एवं बायोटिक घटकों के मिश्रण को हम पर्यावरण कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है या फिर वर्षा कम हो तो वहाँ पर ऐसे स्थान पर सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड को किसी भी माध्यम से यहाँ पर आसमान में छोड़ दिया जाता है हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो यहाँ पर ये कृत्रिम मेघ बीजन का काम करते हैं। ठीक है, ये आसमान में छोड़े जाने के कारण बादल का रूप ले लेते हैं और ऐसी जगहों पर बरसात कराते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ये है हमारा सिल्वर आयोडाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या के साथ संबंधित है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या के साथ संबंधित है, तो डिसलेक्सिया है यह पठन विकार है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, अफेजिया, इन सभी से संबंधित एक सेपरेट वीडियो पहले बनाई जा चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस वीडियो को देखकर आप इन सभी जो जो यहाँ पर ये
अक्षमता है, ठीक है, डिसेबिलिटीज है, इन सभी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है, निम्नलिखित सभी शामिल है, तो कौन सा शामिल है यहाँ पर? शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन और संस्कृति। बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं। तो ये बिल्कुल दोस्तों सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी और डी, यहाँ पर ये सभी कारक हैं, यह किसी बच्चे के विकास को आकार देने के लिए ये सभी कारक जिम्मेदार होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, किसी भी एक ऑप्शन को आप काट कर उपर्युक्त सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ, और आज आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से, 6 राज्यों से, 8 राज्यों से या फिर 9 राज्यों से? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।